मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। एक महिला अपने घर में आराम से सब्जी काट रही थी। उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि छत से काल गिरेगा और उसे मौत की नींद सुला देगा। पर एक सांप काल बनकर आया और चंद मिनटों में महिला को मौत की नींद सुला गया। ये सब किसी फिल्मी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि यह सब घटा है दमोह जिले के पथरिया में। दरअसल दमोह जिले के सासा गांव में रविवार की सुबह कुछ ऐसा ही हुआ। जिले के पथरिया थाने के सासा गांव में नीलेश नाम की महिला अपने घर में खाना पकाने की तैयारी करते हुए सब्जी काट रही थी, तभी अचानक घर की छत से एक सांप महिला के सर पर गिरा। नीलेश ने अपने हाथ से सांप को भगाने की कोशिश की, लेकिन सांप ने उसे हाथ में काट लिया। नीलेश चीखी तो घर के बाकी सदस्य कमरे में पहुंचे और उसकी हालत देखकर भौंचक्के रह गए। परिवार के लोगों ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया और महिला को बचाने के दूसरे उपाय भी किए, लेकिन जहर इतना तेज था कि 10 मिनट के अंदर ही उसकी हालत बिगड़ गई। जब तक वो पथरिया के अस्पताल पहुंचती, उसने दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक महिला को काटने के बाद सांप उनकी आंखों के सामने घर से बाहर भागा और परिवार वाले महिला को संभालने में लग गए। लोगों का कहना है कि गांव में पहले भी लोगों को सांप ने काटा है, लेकिन इस तरह 10 मिनट में सांप का जहर अपना असर दिखाएगा ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा। डॉक्टर के मुताबिक महिला को मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था। चूंकि मामला सर्पदंश का है तो इसकी सूचना पुलिस को दी है और पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंपा जाएगा। ये सब्जी काट रही थी तो ऊपर से ठाट में से गिरा सांप मुंह पर, तो हाथ यहाँ से चलाया तो हाथ में उंगली में काट दिया सांप ने। नीलेश घोषी नाम है उनका, महिला हो गई। कम से कम 10 मिनट में ख़त्म हो गई। तत्काल फोन लगाया 108 को, जो 108 पहुँची, जो इस पार्ट पर खत्म हमारा। एक अभी सुबह लगभग 8:30 बजे मृत अवस्था में एक नीलेश घोषी नाम की महिला को लाया गया है और परिवार जन के द्वारा उसकी मृत्यु के कारण सांप के द्वारा काटना बताया गया है और पुलिस को सूचना दे दी गई है और पोस्टमार्टम की बात ही हम कुछ बता सकते हैं।